राम राम भाइयों, जय जवान जय किसान भाइयों, मेरे YouTube चैनल गोयल लाइव स्टॉक फार्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरे फार्म पर जो कटिंग का माल तैयार है उसके बारे में बताऊंगा, और मैं चाहता हूं अच्छे अच्छे ट्रेडर आएं और माल लेकर जाएं। बहुत सारे फ़ोन भी मुझे आते हैं कि आपके फार्म पर माल कब तैयार होगा, तो मैंने उस टाइम भी आप सबसे कहा था भाइयों कि जब मेरे फार्म पर माल तैयार हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो ये देखिए, ये कटिंग का माल है, ये मेरे फार्म पर तैयार है। 15 बच्चे ये हैं, 15 बच्चे ये हैं, और 15 ही बच्चे इसमें हैं। तो ये सब माल मेरे पास तैयार है। जिस किसी ट्रेडर भाई को माल चाहिए मुझसे संपर्क कर ले और आकर माल ले ले। फार्म पर बरसात का मौसम है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना ही है। ये देखिए, लगातार 3-3 बार मेरे फार्म पर पानी से सफाई की जाती है। ये देखिए, मेरे फार्म के जानवर भी और इनके जो खाने हैं ये बिल्कुल आपको हमेशा साफ मिलेंगे। देखिए, सभी खाने हमेशा आपको साफ मिलेंगे। इससे हमें फार्मिंग में सबसे ज्यादा बीमारी में बचत मिलती है कि बीमारी हमारे फार्म में नहीं आती। और YouTube देखकर नए जो भाई हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले फार्मिंग में सफाई का विशेष ध्यान रखें। साफ सफाई और अपनी मेहनत बहुत ज्यादा है इस लाइन में, बहुत ज्यादा। रोज मुझे फार्म कॉल आती हैं, एक ना एक भाई की, किसी ना किसी की कॉल आती है जो मेरी यूट्यूब पर वीडियो देख के मुझे कॉल करता है कि शुरू करने से पहले ही सभी बातें लोग मुझसे ही पूछ लेते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना क्या है। भाइयों, मेरे बताने में और आपके काम करने में एक जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपको मौके कोई चीज बता दूं और फिर फील्ड में आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पाओ तो बाद में दोष पिगरी पे दिया जाता है कि पिगरी में इतना ज्यादा फायदा नहीं है, फला आदमी ने ये बताया था, ये हो गया। आप फार्म को तो मैनेज कर नहीं पाए, बहुत ज्यादा फार्म इसी चक्कर में बंद भी हो गए, और बाद में उन लोगों ने सोचा कि ये सब पिगरी का नुकसान है, पिगरी में कोई ऐसा फायदा नहीं है। तो मैं, मेरे जितने भी युवा भाई वीडियो देखकर मुझे कॉल करते हैं, और मैं सबसे पहले उनसे कहूँगा किसी अपने नज़दीक के फार्म पे जाएं, 10-5 दिन 1 महीना वहाँ डेली रूटीन आप उस फार्म पर दें। तब पूरा सिस्टम आप देखें कि इसमें सुबह शाम क्या मेहनत है, क्या कुछ है, आप इसे मैनेज ठीक से कर पाएंगे या नहीं। अगर आप इसे ठीक से मैनेज कर पाते हैं तभी इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा आप अगर बिल्कुल लेबर बेस पे ही छोड़ना चाहते हैं और आप के CCTV कैमरे लगा दिए और उससे ही हम देखेंगे, तो ऐसा आप इसमें कुछ नहीं है। आपको सुबह शाम पर डे रूटीन से अपने फार्म पर आपको घूमना पड़ेगा। अपने फार्म पर आपको हर एक एक बच्चे की निगरानी अपने हाथ अपनी तरफ से ही रखनी पड़ेगी, तभी आपको पिगरी में फायदा होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि पिगरी में आप फायदा नहीं है। तो मेन चीज यही है कि आपको खुद काम करना पड़ेगा। आप जब खुद ही काम देख रेख करेंगे तभी लेबर भी काम तभी करेगी जब आप देख रेख करेंगे। तो सबसे पहला, रोज तमाम फोन इसी बात के आते हैं, कमेंट इसी चीज के आते हैं, कितना फायदा है, क्या है, क्या नहीं है। तो फायदा काम करने के बाद पता चलता है कि इसमें कितना फायदा है, मौखिक फायदा किसी को पता नहीं चलता। मैंने बता दिया इसमें 10 लाख का फायदा है एक साल में, नहीं कर पाए आप उस चीज को मैनेज फिर आप के गलत बता दिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब पहले आप इसमें अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा इस फार्म को शुरू करने के लिए। तो सबसे पहले आप प्रॉपर किसी नजदीक के फार्म पे जाके ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आप इतना टाइम इस फार्म में दे सकते हैं या नहीं, तभी आप अपना पैसा इस फार्म लाइन में इन्वेस्ट करें। और अगर आप सब चीजों से सहमत हैं, आपको पता है कि हाँ ये सब चीजें ठीक है, हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना इसमें इन्वेस्ट करें। ये मेरे ही फार्म के बच्चे हैं और इन्हें हम पिछले 1 महीने से फीड खिला रहे हैं।
और इनका वेट देखिए, बहुत ही अच्छा वेट गेन कर रहे हैं ये। तो फार्म बीफ प्रॉपर आप फीड पर ही रखें, जब फार्म आपका प्रॉपर फीड पर रहेगा बच्चों में जो ग्रोथ है वो भी आपको तभी दिखाई देगी। क्योंकि मैंने तो कभी बेस्टेज पे फार्म नहीं किया, जैसे और बेस्टेज वालों का मैं भी वीडियो देखता हूं तो उनसे जो मुझे पता चलती है, तो उनका मतलब ये है कि अगर हमारा जो बच्चा है अगर 7 महीने में 100 kg का हो रहा है तो उनका 8 से 9 महीने ले लेगा 100 kg का होना। तो ये 2 महीने का जो टाइम वेस्टेज में जा रहा है, ये अगर आप ध्यान अगर इस चीज पर दिया जाए तो बहुत ज्यादा कीमती टाइम है। इस टाइम की बचत के लिए हम अपना फार्म ड्राई फीड पे शुरू कर सकते हैं। ये भी हमारा कटिंग के लिए 1 महीने में तैयार हो जाएंगे ये बच्चे, और इनका भी अच्छा 70-75 किलो वेट है। ये भी ड्राई फीड पे हैं, ये 5 बच्चे हैं और बहुत ही अच्छी इनकी भी ग्रोथ ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी 12 बच्चों से एक मादा है ब्याई थी, और सभी बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। ये भी लमसम 19-20 दिन के आज बच्चे हो गए, और 1.5 से 2 किलो का इनका भी अंदाजन वेट होगा, और बहुत अच्छी इनमें भी ग्रोथ है। फार्म पर जब आप वो फीड पे रखेंगे तो जो मादा को आप फीड डालते हैं उसी में से बच्चा धीरे धीरे फीड खाना शुरू हो जाता है, तो उसकी भी ग्रोथ अपने आप बढ़नी शुरू हो जाती है। ये भी हमारे फार्म के ही बच्चे हैं, और ये 10 बच्चे हैं, इनकी भी ग्रोथ जो पीछे मैंने दिखाए थे 12 बच्चे उनके साथ के बच्चे हैं, इन्हें भी हम पिछले 1 महीना से प्रॉपर फीड पर हैं, और दूध से हटने के बाद हमने ये तुरंत फीड पर डाल दिए थे, और इनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी। और ये भी मुझे उम्मीद है कि दीपावली तक तैयार हमारा माल हो जाएगा। अब बात आती है मादा की, आप किस तरह से देख रेख करते हैं। तो ये हमारी मादा है, तो ये जो 12 बच्चे थे पिछले, जो मैंने 12 बच्चे दिखाए थे वो इसी के थे, और ये दोबारा से प्रेग्नेंट है, और हम इसे जो ग्यामन का फीड आता है उस पर रखे हुए हैं, और लगातार इसका फीडिंग हम अलग करते हैं। जो मैंने पीछे बच्चे वाली 2 मादा दिखाई थी उन्हें हम 3 टाइम फीडिंग करते हैं, एक दूसरे वाले खाने में अभी जो पीछे मैंने दिखाए थे बच्चे वो इस मादा के हैं, ये भी दोबारा मादा ग्यामन है, और इसे भी बहुत अच्छी, देखो आप लेट रही है इसे दिखाई दे रहा होगा, तो नस्ल भी मेरे पास बहुत ही ठीक ठाक नस्ल रखता हूं मैं। ये खाने भी अब जरा इनका मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। एक ये मादा है फर्स्ट बार की व्याई, फर्स्ट बार इसने बच्चे दिए, और ये 6 बच्चे इसने दिए थे, और इसे हम 3 टाइम फीडिंग कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बच्चे भी लमसम 10 दिन के आज हुए हैं, और बहुत अच्छा बच्चों में भी ग्रोथ है और बहुत ठीक ठाक। एक ये 4 बच्चे हैं, ये भी कटिंग के लिए तैयार है, और ये देखो साफ सफाई का, जैसे मैं हर बार कहता हूँ ये साफ सफाई का भी हम हैं, और उसी की वजह से ये हमारे सब बच्चे भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो भाइयों आपको बार बार वीडियो बना के यही चीज बताना चाहता हूँ कि पिगरी में बहुत अच्छा काम है, लेकिन हमें खुद वो काम करना पड़ेगा तब काम अच्छा है। लेबर बेस पे हमें काम छोड़ेंगे तब काम अच्छा नहीं। तो हर भाई को बार बार कमेंट करके यही बात पूछते हैं, कितना कौन सी कंपनी, पेलग्रीन कंपनी का फीड खिलाता हूँ फर्मेंट, जब से मैंने फार्म शुरू किया है, बीच कूच में 2-3 कंपनियां भी ट्राई करी, लेकिन आप ध्यान अगर प्रॉपर रखते हैं किसी भी कंपनी का फीड खिलाएं, 1 या 2 रुपए हर कंपनी का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी रिजल्ट हर कंपनी का ही फीड देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कंपनी का रिजल्ट नहीं देगा। और बाकी मैं एक दिन 15-16 कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा फीड बनाती हैं, तो उन सबकी रेट लिस्टों पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी का फीड कितना महंगा है कितना सस्ता है, तो उसके लिए भी मैं रेट लिस्ट डाल के और उनकी वीडियो बनाऊंगा। एक मैंने वीडियो देखी थी कि एक भाई ने ग्रुप में वीडियो डाली थी कि हरे चारे पे फार्मिंग कर रहे हैं, और हरे चारे से आप कितने दिन में बच्चा बड़ा कर सकते हो, आप खुद ही इस चीज का अनुभव लगाएं। तो अगर आप टाइम पास के लिए इस फार्मिंग को कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर कॉमर्शियल तरीका से अगर इस फार्मिंग को करते हो तो आपको फीड पे जाना ही पड़ेगा, और आपको फीड पे फार्मिंग करनी ही पड़ेगी हर हाल में, क्योंकि आप लेबर का,
मेंटेनेंस है इसमें, डीजल का खर्चा आएगा अगर गर्मी के टाइम में जाड़ों में तो इतना, अगर लाइट नहीं प्रॉपर आ रही तो जनरेटर से दो दो तीन तीन बार खाने में पानी लगते हैं, उन्हें नहलाने का, फीड का हो गया, इतना सब खर्चा आप हरे चारे पे नहीं निकाल सकते। कॉमर्शियल फार्मिंग में आपको प्रॉपर फीड पे आना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें चार पैसे की बचत कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, जय जवान जय किसान।